आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। समिट में भाग लेने के बाद जापान से भारत लौटे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों से हुई पीएम मोदी की चर्चा। दिल्ली में रह रहे विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने की केजरीवाल से मुलाकात, बोले हमारे साथ सिर्फ वोट बैंक की हुई राजनीति। बिहार के कांग्रेसी भी अब उदयपुर की तर्ज पर करेंगे चिंतन, राजगीर में बनेगी चुनौतियों से पार पाने की रणनीति। आंध्र प्रदेश में कोनासीबा जिले का नाम बदलने को लेकर भारी विरोध, विधायक पुनाडा सतीश के घर को लगाई। बंगलूर में जुमा मस्जिद के नीचे मंदिर जैसा डिजाइन मिलने का दावा, धारा 144 लागू, सख्त की गई सुरक्षा। कपिल सिब्बल ने सपा से राज्यसभा के लिए नामांकन किया, ताकि अखिलेश यादव रहे मौजूद। जौसल अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दाखिल की याचिका। टोक्यो में चारों देश में प्रमुखों ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा हिंद प्रशांत क्षेत्र में नहीं चलेगा ताकत का जोर। छत्तीसगढ़ से कोयला नहीं मिलने पर राजस्थान में होगा गंभीर बिजली संकट, आर के शर्मा ने दिया ये बयान। मंकी पॉक्स पर पीजीआई चंडीगढ़ अलर्ट, संदिग्ध लोगों की होगी रैंडम सैंपलिंग, पीजीआई निदेशक ने बीमारी को लेकर कही बड़ी बात। बारामूला मुठभेड़ में एक जवान बलिदान, 3 पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गिरे। हिमाचल की जनता को पुरानी खटारा, बसों में सफर से मिलेगा छुटकारा, एचआरटीसी में शामिल होंगी 420 नई बसें। ममता सरकार के 2 मंत्रियों की संपत्ति पर सीबीआई की नजर, आयकर विभाग से टैक्स रिटर्न फाइलों का मांगा ब्यौरा। ओडिशा में बीजेपी नेता विजय महापात्र का बयान, जगन्नाथ पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर विवाद के लिए एसआई जिम्मेदार। पंजाब के सीएम भगवंत मान के रडार पर हैं 2 मंत्री, गुपचुप तरीके से चल रही है जांच। सपा ने भाजपा पर लगाए लोकतंत्र को कलंकित करने और तानाशाही का आरोप, भाजपा ने दिया जवाब, योगी सरकार ने खत्म किया गुंडा राज और भ्रष्टाचार। योगी आदित्यनाथ सरकार ने विदेशी कोयलों की खरीद पर लगाई रोक, निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादक भी नहीं कर सकेंगे आया। विधान परिषद में भाजपा के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बोले, योगी सरकार में भेदभाव के बिना सभी धर्मों का सम्मान। सपा ने विधान परिषद में भाजपा को घेरा, नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह बोले, श्रीलंका जैसी हाल कभी न हिंदुस्तान का होगा और न ही उत्तर प्रदेश।
मौसम ने ली करवट, ठंडी हवाओं ने दी राहत, 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। बदायूं में सड़क हादसे ने छिड़ा पिता का साया, कार ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की हुई मौत। गाजियाबाद में शराब के शौकीन के लिए चेतावनी, गाजियाबाद सीमा से सटी शराब की दुकानों पर दी जा रही भारी छूट, जल्द होगी समाप्त। हिंदुओं को सौंपा जाएगा ज्ञानवापी परिसर, वाराणसी जिला कोर्ट में दायर नई याचिका पर सुनवाई, विश्व वैदिक सनातन संस्थान के महामंत्री ने दायर की है ये याचिका। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति कुर्क, बदमाश पर दर्ज है गौकशी के कई मुकदमे। लखीमपुर खीरी में शेर का निवाला बना युवक, 3 दिनों में बाघ ने 2 लोगों को बनाया निवाला। में लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े 3 आरोपी, लुटेरे के पास लूट का सामान बरामद। रायबरेली में अधूरा रह गया पक्की छत का सपना, बारिश में रहने को मजबूर ग्रामीण, पात्रों को नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ। अलीगढ़ में ससुर और पति की खौफनाक करतूत, महिला पर तेजाब डालकर जलाया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज, जनता को ट्रैफिक नियमों का पढ़ाया पाठ। फिरोजाबाद में गंगा स्नान के दौरान 5 युवक नदी में डूबे, 3 की मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। कन्नौज में पुलिस अभिरक्षा में मौत पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार को एसआईटी गठित करने का आदेश। लखीमपुर में आवारा पशु से टकराई बाइक, बाइक सवार की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में दहेज की बलि चढ़ी युवती, घर में फांसी पर लटकता मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद के मालिकाना हक पर विवाद पर सुनवाई, इस मामले में 31 मई को अगली सुनवाई। संबल में अवैध तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से 5 लोग घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर और कार में टक्कर, 4 की मौत, जानवरों को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। बुलंदशहर में हॉस्पिटल में मारपीट का वीडियो वायरल, स्टाफ और मरीज के परिजनों में जमकर मारपीट, इंजेक्शन लगाने के दौरान हुआ था विवाद। हमीरपुर में दिखा रफ्तार का कहर, स्कूटी और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत, 3 घायल। कन्नौज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 दिन पहले हुई हत्या का छिपरामऊ, पुलिस ने किया खुलासा, चाचा और दोस्त ने युवक को उतारा था मौत के घाट। कानपुर देहात में दिखा रफ्तार का कहर, झोपड़ी में घुसी तेज रफ्तार पिकअप, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा।
कुशीनगर में इरौली पुलिस का अतिक्रमण, तहसीलदार का लेखपाल की रिपोर्ट पर एक्शन, 7,000 की पेनल्टी और बेदखली का आरसी किया जारी। मुरादाबाद में पुलिसकर्मी की लापरवाही, बिना हेलमेट सिपाही चला रहा बाइक, गल शहीद चौकी पर तैनात है सिपाही। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश, अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, धारदार हथियार से युवक की निर्मम हत्या। रायबरेली में पुल के पास मिला अज्ञात महिला का शव, ग्रामीणों ने दी उजहार, पुलिस को सूचना, शव की पहचान करने में जुटी पुलिस। हमीरपुर में फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करने वाला युवक गिरफ्तार, भाई के दस्तावेज लगाकर की 22 साल फौज में नौकरी। कन्नौज में अचानक पिकअप में लगी भीषण आग, चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखीमपुर खीरी में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने घर को बनाया निशाना, नकदी और आभूषण पर हाथ किया साफ। फरुखाबाद में बेलगाम हुए खनन माफिया, लगातार निकल रही बालू भरी ट्रॉली थाना कमालगंज का मामला। मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति नैनीताल के अतिक्रमणकारियों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और बारिश ने दी गर्मी से राहत, मौसम साफ, कहीं कहीं बौछार पड़ने के आसार। उत्तराखंड विश्व चुनाव में आपके मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहा कर्नल अजय कोठियाल, भाजपा में हुए शामिल। उत्तराखंड के पर्यटन को पंख लगाएगा सीमांत पर्यटन, छोटा कैलाश और टिम्बरड शैड महादेव जैसे स्थल आएंगे पर्यटक मानचित्र पर। देहरादून में प्रेमी के साथ मिलकर कर ली पति की हत्या, 2 सप्ताह बाद देवर की शिकायत से हुआ सनसनीखेज खुलासा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नैनीताल जिले में 9 ऐसी बहुल गांव बनेंगे मॉडल गांव, बढ़ाई जाएगी बुनियादी सुविधाएं। की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित, उत्तराखंड की पूनम नौटियाल बनी मिसाल, पीएम मोदी ने मन की बात में की थी तारीफ। रुड़की में 15 दिन से ठंडा पड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर से शुरू, व्यापारियों की निगम अधिकारी से हुई नोकझोंक। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर बने 4,500 घरों को ध्वस्त करने से पहले काटा जाएगा बिजली कनेक्शन। चंपावत को स्विट्जरलैंड बनाने की भाजपा में लगी होड़, हरीश रावत ने दिया ये बयान।
बाइडेन की धमकी के बावजूद चीन ने किया ताइवान के पास सैन्य अभ्यास। खुलासा, पाकिस्तान के 80% गैर मुस्लिम कम वेतन पर कार्यरत। पाक सरकार ने इमरान खान की मेगा रैली पर लगाई रोक, हिरासत में आए 600 से अधिक पीटीआई समर्थक। पुर्तगाल में भी फैला मंकी पॉक्स वायरस, अब 39 मामले की हुई पुष्टि। सिंजियांग पुलिस फाइल से उइगरों पर अत्याचार, उजागर गोली मार कर ढेर करने की नीति समेत कई जानकारी आई सामने। मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ मामला दर्ज, बिना अनुमति एफबी के यूजर्स का डाटा जुटाने का आरोप। बाइडेन के दौरे के बाद उत्तर कोरिया ने जापान की ओर दागी 3 मिसाइल, सियोल ने किया दावा। यूक्रेन के सीवियरो दोनेत्स्क और डोनेत्स्क शहर पर रूस ने किया कब्जा। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा घोस्ट गन कल्चर, ऑनलाइन साइट पर बच्चे भी दे रहे ऑर्डर। साइकिल खरीदने पर दिल्ली में मिलेगी 15,000 की सब्सिडी। लॉन्च से पहले नजर आई नई ब्रेजा, अब ज्यादा पावरफुल और मस्कुलर होगी एसयूवी। कई कारों में आई खराबी, कंपनी ने ग्राहकों से वापस मंगाई 2,39,00,000 गाड़ियां, जिनमें से एक्सेस एल्ट्रॉन्ग और एल्ट्रॉ एचईवी या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन है शामिल। दुनिया भर में शेयर बाजारों में गिरावट, ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ी और बॉन्ड यील्ड्स में आई गिरावट। गोयल ने वैश्विक कारोबारियों को निवेश का दिया न्योता, कहा भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान। स्पाइसजेट पर साइबर अटैक, घंटों की देरी से उड़ी कई फ्लाइट, पिछले हफ्ते पेमेंट विवाद के चलते दिल्ली में रोके गए थे प्लेन। गूगल ने चेताया खतरे में है आपका स्मार्टफोन इस स्पाईवेयर से, आपकी जासूसी के फिराक में है साइबर क्रिमिनल। महंगाई को रोकने सरकार का कदम, सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर 1 जून से लगाई रोक, घरेलू कीमतों में उछाल को रोकना इसका कारण। खाने का तेल होगा सस्ता, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और सेस खत्म, अभी जरूरत का 7% इंपोर्ट। ड्रोन महोत्सव में पहली बार दिखेगी ड्रोन टैक्सी, आम जनता भी उड़ा सकेगी ड्रोन। सचिन तेंदुलकर का बेटे पर बयान, क्रिकेट से प्यार है तो मेहनत करो, एमआई की टीम सिलेक्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं। सहवाग बोले गुजरात का दावा मजबूत, विटोरी पार्थिव ने रॉयल्स को माना चैंपियन, रैना ने कहा आरसीबी रचेगी इतिहास।
आर अश्विन ने कहा, मौजूदा सीजन मेरे सबसे सुखद आईपीएल में से एक कारण भी बताया। फ्रेंच ओपन टेनिस की दूसरी सीट डेनियल मेदवेद अगले दौरे में पहुंचे, सिपाप पिल्सतोवा भी जीती। गुजरात आईपीएल के फाइनल में पहुंची राजस्थान को 7 विकेट से हराया, डेविड मिलर ने लगाई 3 छक्के, लगातार दिलाई जीत। मोहसिन खान का बड़ा बयान, चयन नहीं प्रदर्शन के बारे में सोचता हूं। संजू सैमसन ने तोड़ा एमएस धोनी का रिकॉर्ड, आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले कप्तान बने। विमेंस टी20 चैलेंज में वेलोसिटी ने सुपर नोवास को 7 विकेट से हराया, दीप्ति शर्मा और लारा वुल्टामने ने की तूफानी बल्लेबाजी। सुनील छेत्री की इंडियन फुटबॉल टीम में वापसी, जॉर्डन के खिलाफ इंटरनेशनल फ्रेंडली खेलेंगे मैच। अगले साल आईपीएल से जुड़ेंगे डिविलियर्स पूर्व साउथ अफ्रीकन कैप्टन का कंफर्मेशन, बोले निश्चित ही आरसीबी का हिस्सा रहूंगा, अभी रोल तय नहीं। बदनाम आश्रम को लेकर अपने ऊपर हुए हमले पर प्रकाश झा ने तोड़ी चुप्पी, कहा डर कि जीना अच्छा नहीं लगता। आमिर खान ने किया लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट का ऐलान, आईपीएल के समापन समारोह के दौरान लॉन्च होगा ट्रेलर। रूबीना दिलैक ने ओटीटी डेब्यू से पहले बयां किया अपनी असफलताओं का दर्द, बोली बिग बॉस के बाद बदली लाइफ। टाइगर श्रॉफ 10 साल से सुहेल के ब्रेक डांस से हुए इंप्रेस, बोले किसी दिन सुभान से करेंगे मुलाकात। कॉर्टनी कार्डशियन के मैरिज ड्रेस को देख भड़के यूजर्स, कैथोलिज्म का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप। भुलभुलैया 2 की सफलता के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे कार्तिक आर्यन। पांच साल बाद इंडिया में जस्टिन बीबर करेंगे परफॉर्मेंस, 18 अक्टूबर को दिल्ली में होगा शो, पिछले कॉन्सर्ट में हुई लिपसिंग करने का लगा था आरोप। चक्रवर्ती ने सम्राट मुखर्जी के साथ शादी की खबरों पर किया रिएक्शन, बोली यह सब बकवास है। हंसल मेहताब लेकर आ रहे स्कैम 2003 द टेलगी स्टोरी सीरीज में लीड रोल में दिखेंगे गगन देव। शादी के 5 साल बाद दूसरी बार मां बनी दया बेन उर्फ दिशा वकानी बेटे को दिया जन्म। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।